नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है 2 महीने पहले हमने जो है उसकी गुलाब की कलम लगाई थी। आज हम उसको जो है जो छोटे छोटे पन्नियां वगैरह जो हैं उनमें जो है शिफ्ट करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये नज़दीक से दिखा दो, तो ये मैंने 2 महीने पहले लगाई थी। अब इसको हम जो हैं इसको ये छोटी छोटी जो ये पन्नियाँ हैं इनमें शिफ्ट करेंगे। ये देखो जड़ें आ गई हैं इसमें, ये जड़ें आ गई। अब इसको हम जो है ये मैंने इधर मिट्टी तैयार कर ली थी, इसमें खाद वगैरह थोड़ा सा मिला दिया, ज़्यादा ऐसी कोई खाद की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए रखते हैं कि कोई कहता नहीं कि हमारे को गुलाब का पौधा चाहिए, तो हम जो है इसको उठा के दे देते हैं। ये ऐसी ऐसी बना रखी हैं जो घर से मिलती हैं, जो इकट्ठी हो जाती हैं उनमें जो हम और ये जो फूल है इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। देखो इधर ये लग रहे हैं फूल, ये गुलाब के फूल जो हैं, ये देखो इधर देखो, ये गुलाब इतने बढ़िया गुलाब लग रहे हैं, काफ़ी बड़ा गुलाब होता है इसका और देसी है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसके अंदर जो है खुशबू होती है, जो दूसरा होता है उसके अंदर ना खुशबू तो नहीं होती। देखिए फूल उसका जो है सुंदर लगता है देखने में। इसका तो यह है कि आप ग्लूकंद भी बना लो, आप सुखा के रख लो, आपने किसी चीज़ में डाल लो, ठंडाई वगैरह में डाल लो, किसी में भी डाल लो। अब ये भर भर के क्या है, मैं किसी पेड़ के नीचे रख दूंगा इनको। जिससे ये ठंड वंड से थोड़ा सा बचे रहें। ये मैंने कम से कम ही तो 60-70 के करीब लगा रखी हैं। इसमें से कुछ तो लोग वग ले भी गए। जड़ें देखो देखो, ये जड़
ये हैं बोतलों में, इसमें मैंने छेक किए हुए हैं, ये ना नीचे ये छेक किए हुए हैं, ये जो फालतू पानी होगा वो इधर से निकल जाएगा। और जो छेक नहीं करोगे तो क्या है, इसमें अगर पानी डालोगे तो पानी ऐसा कैसा ही भरा रहेगा, और उससे क्या है इसकी जड़ें जो हैं ख़राब हो जाएंगी। ये देखो जड़ें, जड़ ये इसी तरह से इकट्ठी करके मैं एक तरफ पेड़ के नीचे रख दूँगा, बस जो आता रहेगा लेता ले जाता रहेगा। ये यहाँ से निकल जाएंगी अब, ये हल्का रह गया पेड़ हो तो जाएगा, तो चलो लगा देते हैं। जड़ तो है इसमें, पर ये जो ऊपर की तरफ से कम फूटा, ये साइड की तरफ साइड से ज़्यादा फूट गया, बड़ा होने के बाद हो जाएगा सही है। आपके यहाँ भी कोई जो है देसी गुलाब अगर जो हो ना, तो उसको अक्टूबर में उसकी कटिंग कर दो, और कटिंग करके जैसे ये कलम है जैसे मैं वीडियो में दिखा हुआ, इसी तरह से इनको लगा दो, ज़मीन में गाड़ दो, गमले में गाड़ दो, किसी में गाड़ दो, दो महीने में डेढ़ महीने में इसमें जो है जड़ें आ जाती हैं, तो जड़ें आ जाती हैं अपना, किसी को देना हो अपना ये दे दो। अभी तो मेरे पास जो है ये यही थे अवेलेबल, जो 5-6 थे, अभी तो ये बहुत सारी कम से कम ही तो 60-70 पेड़ और हैं, इनको मैं बाद में लगाऊंगा जब मेरे पास ये थोड़े से अवेलेबल हो जाएंगे, छोटे से ये बोतलें उतनी इकट्ठी हो जाएंगी, इनको फिर मैं दोबारा शिफ्ट करूँगा, क्यों अभी तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं इन्हीं को ही अपना लगा देता हूँ। बाकी मैंने छोटे छोटे सीजनल फूल लगा रखे हैं, ये अपना मार्च अप्रैल तक ये आपको ये हमें जो है पूरा देंगे। 400 देखो उधर भी सारे काफ़ी सारे मैंने ये लगा रखे हैं, ये गुलदावरी है, गेंदा है, वो सफ़ेद रंग की गुलदावरी है, चलो इस वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कोई कमी पेशी हो तो, और इसी उम्मीद के साथ कि सब आप लोग जो हैं अपना ख्याल रखें और तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।